हेलो गाइस, तो फाइनली हमें एक सेटअप मिला है निफ्टी में। तो मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ पुट साइड का, ये इसका लॉजिक बताता हूँ। तो मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है, तो मैं कल भी बोला था कि एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो इस जगह ईएमए पे आके अच्छा सा एक रेड कैंडल बनाया और ऊपर ईएमए भी था और ट्रेंड लाइन अपना रेजिस्टेंस लेवल को भी बोले तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा था और ऊपर से एक सुपर ट्रेड भी था इसीलिए, और एक बिग बार बनाया है यहाँ रेड कैंडल, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इसीलिए हमने एंट्री ली है। देखेंगे ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जाता है क्या लॉस में जाता है, 1:2 का टारगेट प्लान कर रहे हैं हम, तो देखेंगे। तो हमें एक बैंक निफ्टी में सेटअप मिला है, वो सिंपल सा लॉजिक है कि एक अच्छी रेड कैंडल बनी है स्ट्रांग और ऊपर से ईएमए और सुपर ट्रेड का रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनी है और उसका लो ब्रेक हो गया है इसलिए हमने एंट्री ली है। तो ये ट्रेड हमारा इतना कंफर्म नहीं है लेकिन 1:2 का प्लान कर रहे हैं हम, तो देखेंगे इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है क्या। टारगेट बैंक निफ्टी का पुट लिया हूँ मैं, तो देखेंगे। तो गाइज लाइट चली गई थी इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, ये बिग कैंडल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो आगे का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। लाइट चली गई इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो देख सकते हो आगे अपना टारगेट हिट होने वाला है, थोड़ा ही बचा है यानी आधा 1:1 मिला है। तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लगभग 20-30 पॉइंट प्रीमियम मिल रहा है यानी 1:1 मिला है अभी तक, तो 1:2 का प्लान कर रहे हैं हम। तो हेलो एवरीवन, फाइनली हमें एक सेटअप मिला है, 9:30 बज गए हैं और बैंक निफ्टी का पुट लिया हूँ मैं, 47,500 का पुट है, तो देखेंगे क्यों लिया हूँ, इसका लॉजिक बताता हूँ। तो काफी अच्छा ईएमए पे एक बिग बार बना है और वहाँ सुपर ट्रेंड का भी लेवल है और ईएमए भी है 15 ईएमए और बिग बार भी बना है इसीलिए हमने ट्रेड लिया है और उसका हाई भी ब्रेक किया था, तो 1:2 का टारगेट प्लान कर रहे हैं हम। हमारा टारगेट हिट होता है स्टॉप लॉस देखेंगे।
टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मैं डेली यहाँ अपने पेपर ट्रेड देता रहता हूँ, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं।